नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के जस्टिस रीलोडेड श्रृंखला के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमें जगह जगह देखने सुनने को मिलता है। विमेन एम्पावरमेंट की बातें भी हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी हो या कोई छोटा सा गाँव, औरतों की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। स्कूल जाने वाली बच्ची हो या ऑफिस में काम करने वाली लड़की, हर औरत के जहन में एक खौफ छिपा होता है। एक अनजान डर हर कामकाजी औरत की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल दृष्टि कहाँ पर है? अंदर ही है कमरे में, जाओ मिल लो। हाँ। दृष्टि, अंकल दृष्टि तो नहीं है कमरे में। हाँ, अंदर ही है। बाथरूम में देखा तुमने? नहीं। जरा देखो। हाँ दृष्टि, अंकल वो दृष्टि। मान ले आज से तेरा नया जन्म हुआ है, जो भी हुआ सब भूल जा। दुल्हनी तेरी बड़ी याद आ रही, मिलने आना। लड़की रुक, कौन है तू? हाँ कौन है, और इतनी रात को अकेले में कहाँ घूम रही है? वो सर जी, वो दवाई लेने के। पर इस गली में तो कोई दवा की दुकान नहीं। झूठ बोल रही है ना तू? घरों में ताकाजागी कर रही है चोरी करने के लिए। नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ। तो इस अच्छी लड़की का नाम क्या है? जी नगमा। और रहती कहाँ है? बोल। वो यहाँ से दूसरी गली राजनिवास। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, चल। जी जनाब। जी बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। जी जनाब चल। लड़की, लड़की रुक, लड़की। ए लड़की रुक। ए इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? उस दिन चकमा देके भाग गई थी ना, हैं? अब नहीं बच पाएगी। पूरा राजनिवास छान मारा मैंने, कोई नगमा नाम की लड़की नहीं रहती वहां। तेरा असली नाम नगमा नहीं है ना? बोल। एक बेटी तेरी जैसी मेरी बेटी भी है, तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी का सगा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सच है, पुलिस की नौकरी में फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, ऊपर से होली दिवाली जैसे त्योहारों पर तो फैमिली के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ ज्यादा ही हो जाती है। वो क्या है, एक्शन में रहने के लिए इमोशन को साइड में रखना पड़ता है, धीरे धीरे ये हमारा नेचर बन जाता है, आदत में शुमार हो जाता है। लेकिन एक केस था, शुरुआत तो उसकी बस एक ऑर्डर फॉलो करने से हुई थी, लेकिन उस केस ने मुझे और मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ध्यान में रखते हुए ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि जितने भी औरतों के खिलाफ हुए अपराध के अनसॉल्व केसेस हैं पूरी ओपन किए जाएं।
जिन जिन केसेस में औरतें विक्टिम हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ और शाम तक ये सारी फाइल्स मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। सर हमने 3 केस नोट डाउन किए, ये हमारे फर्स्ट केस की फाइल। सर बीना कश्यप नाम की औरत की 2010 में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। बीना और उसका पति हरी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, बिहार से यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे। सर काफ़ी समय तक जांच चली लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सर हरी से कांटेक्ट करो और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी इस केस की डिटेल्स निकालो। और सर ये दूसरा केस शबीना अहमद का है। सर शबीना के पिता ने शबीना के अगवा होने सर लोकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शबीना का किसी फारूक नाम के लड़के से अफेयर था। शबीना और फारूक दोनों ने भागने की भी कोशिश की थी, पुलिस ने काफ़ी ढूंढा दोनों को पर शबीना और फारूक दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चला। शबीना और फारूक दोनों के परिवारों की डिटेल्स निकालो। ओके सर ये हमारे तीसरे केस की फाइल। सर इस औरत का मर्डर 2012 में हुआ था, शादीशुदा थी लेकिन अकेली रहती थी और इसका पति कुवैत में काम करता था। इस केस की भी डिटेल्स निकालो, फिलहाल इन 3 केसेस में काम करते हैं। ओके सर। द्वारा किए गए इस बम विस्फोट में लोकप्रिय जननायक योगेश सैनी का निधन हो गया। इस खौफनाक हादसे के पीछे किस संगठन का हाथ है यह अब तक नहीं पता चल पाया है। सर बीना कश्यप के केस में एक अजीब बात पता चली है। सर बीना की हत्या के 2 महीने के अंदर अंदर उसके पति हरि ने दूसरी शादी कर ली थी। हरि के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, सर हरि बिहार के बेनीपुर गाँव का रहने वाला है, लोकल पुलिस को डिटेल्स भेज दी। और ये केस नंबर 2 शबीना अहमद। सर शबीना और फारूक दोनों की फैमिलीज पुराने पते पर नहीं रहती है और पड़ोसियों के भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अंदर तक जाओ, शायद शबीना की कोई सहेली या फारूक का दोस्त मिल जाए गली मोहल्ले में। और ये केस नंबर 3 इसकी क्या अपडेट है? सर ये औरत जिस किराए के घर में रहती थी उस घर के मकान मालिक ने सालों पहले वो घर बेच दिया और पड़ोसियों से भी कोई नई जानकारी नहीं मिली है। वैसे सर खबरियों काम पर लगा दिया है। थैंक यू। देखिए मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ये यंग अचीवर अवार्ड के लिए मुझे चुना गया। एंड आई रियली होप कि मेरी कहानी से बाकी यंगस्टर्स भी इंस्पायर होंगे। अरे वाह गोयल बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अरे तेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे इसी बात की फिक्र थी कि मैं तुझे और इस बिजनेस को कैसे संभालूंगा, पर देखो उस भगवान की कृपा से आज। दादाजी जो भी किया है मैंने किया है, आप प्लीज इसका क्रेडिट भगवान को मत दीजिए, मैं प्रसाद ले रहा हूँ। सर पार्सल। दादाजी एक मिनट। सर आप भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है। देखो मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं साइंस और लॉजिक को ज्यादा मानता हूँ। ये लो और हाँ ये प्रसाद खा लेना। हाँ बोलो। अरे मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना बजट कोट करो ना, तुम शिकावत की टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ। बेटा विमल कोई परेशानी है? दादाजी वो शिकावत हमें पैसों के दम पे खरीदना चाहता है। लेकिन बेटा वो शिकावत बहुत खतरनाक आदमी है, जरा संभल के। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मैं क्यों डरूँ उससे? दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। क्या हुआ, कुछ काम है क्या, कहना है कुछ? सर वो मेरी बीवी की तबीयत खराब है, आधे दिन की छुट्टी चाहिए,
आपको घर ड्रॉप करके मैं सुनो, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी यहीं पे रोक दो और तुम घर चले जाओ। जाओ, मैं खुद से ड्राइव करके चला जाऊंगा। हेलो, हाँ विमल सर निकल चुके। चलो, चैप्टर समझ में आया? ठीक है, आप कल कंटिन्यू करते हैं, मुझे कहीं जाना है। जयंती ये लो। मैम ये आपके हाथ में क्या लिखा है? जी ये उर्दू लैंग्वेज में कमल लिखा है। कमल यानी लोटस, पर आपका नाम तो मधु है, तो आपके हाथ पे ही लोटस क्यों? तेरे ना सवाल कभी खत्म नहीं होते, चल भाग जाए ऐसे, वरना ज्यादा होमवर्क दे दूंगी। बाय मैम। पूरा कंप्लीट चाहिए होमवर्क मुझे। मधु तुझे अंदाजा भी है तूने क्या देखा है? ये खून के केस की चश्मदीद गवाह है तू। अरे क्या जरूरत थी पुलिस को ये सब बताने की? प्रेम, अब देखना पुलिस बार बार परेशान कर देगी तुझे। प्रेम प्रेम शांत हो जाओ ना। माफ कर दे मुझे, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया ना, पर क्या करूं, तेरी फिक्र होती है मुझे। तुम टेंशन मत लो, एक बार हम कुवैत चले जाएंगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है मधु। वो जो 4 लाख तूने गहने बेचकर मुझे दिए थे, उससे सिर्फ मेरा वीजा और वर्क परमिट बना है बस। तो मतलब तुम अकेले कुवैत जाओगे मुझे छोड़कर? कुछ ही महीनों की तो बात है मधु, एक बार बस मैं वहाँ पहुँच गया तो फौरन पीसे कमाने के इंतजाम करने में लग जाऊँगा और फिर तुझे भी वहाँ बुला लूँगा। प्रेम लेकिन मैं यहाँ अकेले तुम्हारे बिना। मधु तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना? अगर नहीं है तो बता दे, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी। मधु तुम कितनी अच्छी हो, सबसे अच्छी। ठीक है अभी खाना बना दो। हाँ मधु मान गई। सर बीना कश्यप के मर्डर केस में हमारा पहला सस्पेक्ट, उसका पति हरि है। सर लोकल पुलिस इसके गांव गई थी तो पता चला है कि अब वहां पर नहीं रहता है। और सर एक पड़ोसी से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि पिछले कुछ सालों से ये केरला में दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहा है और 2 साल से अपने गांव भी नहीं लौटा है। केरला पुलिस को इसकी अपडेट भेजो। और ये केस नंबर 2 शबीना अहमद, इसकी क्या प्रोग्रेस? सर शबीना के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन फारूक के बारे में पता चल गया है। लोकल टीम उससे पूछताछ करने निकल चुकी है। और केस नंबर 3 इसकी क्या अपडेट है? सर इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैंने पुलिस स्टेशन बुला लिया है। प्रेम लो। अच्छा सुनो, फ्लाइट में बैठते ही मुझे फोन करना, भूलना नहीं। ये भी कोई कहने की बात है? और देखना 4-5 महीने बाद तुझे भी वहां बुला लूंगा। प्रेम तुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात करती है मधु, अगर तू नहीं होती तो मैं कभी कुवैत जा ही नहीं पाता। अब अगर तू ऐसे उदास रहेगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा ना। थोड़ा हंस दे। अरे प्रेम भाई वो गाड़ी आ गई है, सामान रख दूं मैं? हाँ मैं कुछ भूल गया। अरे मधु भाभी मैं रख रहा हूँ। और आप ना फिक्र बिल्कुल मत करना, मतलब प्रेम भाई जा रहे हैं तो क्या हुआ, हम तो हैं आपकी खिदमत में, पूरा ख्याल रखेंगे आपका। अरे प्रेम भाई क्या कर रहे हो, मुझे तो मुझे तो मुझे अरे जा रहे हो, हमारे लिए कुछ लेकर आना। सॉरी आइए। जयंती हुआ सॉल्व? दिखा। हाँ अरे नहीं देख, ऐसे करेगी तो हमेशा गलत ही आंसर आएगा ना, तुझे बोला था ना। जयंती इधर ध्यान दे, इस मेथड से ट्राई कर, मैं वापस आती हूँ चेक करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल क्या है ना, मधु मैम, मधु मैम, मधु मधु मिली क्या मधु? नहीं हमने पानी टंकी के पास देखा पर मधु कहीं नहीं मिली। ठीक मैं वहां देखकर आता हूँ। हाँ, हम उधर देखते हैं। हाँ
गौतम भैया, मधु मैडम को पता चला क्या? अरे नहीं भाभी, सारे में देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा मधु भाभी का। मुझे लगता है प्रेम भाई को हमें बता देना चाहिए। हाँ। हेलो प्रेम भाई, इस लड़की को पहले कहीं देखा है मैंने? कहाँ देखा था? आसपास मालूम करो, शायद किसी को पता हो कि कौन है ये। जी सर। सर लड़की की पहचान हो गई सर, मधु नाम है इसका, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए करती थी, यहीं पास के मोहल्ले में रहती है। आज सुबह ही अचानक गायब हो गई थी सर। आखिरी बार किसने देखा था इसे? जयंती बेटा डरने की कोई बात नहीं है, अच्छी तरीके से याद करके बताओ, जो आदमी तुम्हारी मधु मैम से मिलने आया था आज, वो कैसा दिखता था? अंकल मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो इतने लंबे थे। अच्छा क्या एज होगी उनकी, मतलब बाल काले थे सफेद थे कुछ याद है? काले थे और मधु मैम के सामने होने के कारण मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। वो आपस में कैसे बात कर रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे या प्यार से बात कर रहे थे? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अंकल ने उन्हें अस्सलाम वालेकुम बोला था। अस्सलाम वालेकुम। और अंकल के हाथ में कुछ सिल्वर कलर का ब्रेसलेट था। उसके बाद गोंद से इसकी आंखें नाक और मुंह को चिपका दिया गया, सफोकेशन से इसकी मौत हो गई थी। मुझे लगता है कि मारने वाले इन्वेस्टिगेशन से सामने क्या आया? जो सामने आया उससे तो केस उलझने की बजाय और उलझ गया। सर मैंने आपसे कहा था ना कि इस लड़की को पहले मैंने देखा है, इस लड़की का नाम मधु नहीं नीलोफर है। जी सर, पर आपको कैसे पता? ये देखो, और पोस्टमार्टम से ये भी पता चला है कि इसके साथ में गैंगरेप हुआ था, और गोंद से इसके जो आंख नाक मुंह को चिपकाया गया था उस वजह से सफोकेशन हुआ और इसकी मौत हो गई। तुम्हें इस केस के बारे में और क्या पता चला? ये देखिए सर, नीलोफर उर्फ मधु की मिसिंग फाइल, उसके फादर अयूब ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। तो ये नीलोफर रेवाड़ी की रहने वाली थी, लेकिन नीलोफर से मधु क्यों बनी? फिर हमने नीलोफर के पति प्रेम से बात की, जो उस वक्त कुवैत में था। जी, उसने बताया कि ये दोनों आपस में प्यार किया करते थे, लेकिन दोनों के प्यार के बीच मजहब आ गया, इसलिए दोनों ने भागकर शादी कर ली, और फिर नीलोफर के घर वालों से बचने के लिए नीलोफर का नाम बदलकर मधु कर दिया गया। नीलोफर की मिसिंग कंप्लेंट उसके फादर अयूब ने लिखवाई। जी, हमने अयूब को ढूंढा लेकिन मिला नहीं, पड़ोसी ने बताया कि बदनामी के डर से उसने अपना घर बदल लिया। और आपने केस क्लोज कर दिया? जी नहीं, हमने और एंगल टटोले। सर मुझे लगता है कि ये केस नीलोफर के अतीत से जुड़ा हुआ है। नीलोफर की बीती जिंदगी में जाने से कुछ नहीं हो, जो आदमी नीलोफर से मिलने आया था उसी ने उसका मर्डर किया। तो सर इलाके के सारे स्टेशनों को उठा लो। जयंती बेटा डरने की कोई बात नहीं है, अब ध्यान से देखकर बताओ इनमें से कौन था। डरो मत, तुम उन लोगों को देख सकती हो, वो तुम्हें नहीं देख सकते। वो तो नहीं था, या वो वाला? हम काफी महीनों तक इस केस में लगे रहे मगर कोई क्लू नहीं मिला, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया। सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस केस में मैंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी? क्या आपने नीलोफर के पति प्रेम को इंट्रोगेट किया? जो आदमी नीलोफर से मिलने आया था, क्या उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सस्पेक्ट था? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि नीलोफर ऑनर किलिंग का शिकार हुई, उसके पिता अयूब ने ही उसका मर्डर किया हो? जी नहीं। आप ये बताइए कि किस बेसिस पे आप इस नतीजे पर पहुंचे कि जो आदमी नीलोफर से मिलने आया था उसी ने नीलोफर को मारा? अगर उसका इरादा नीलोफर को मारने का होता तो क्या वो जयंती की मौजूदगी में आता? और अगर वो जयंती की मौजूदगी में आया भी तो क्या उसको जिंदा छोड़ता? एक्चुअली इस तरह से हमने सोचा ही नहीं। इस केस को हमें शुरू से इन्वेस्टिगेट करना होगा। सबसे पहले ये पता लगाओ कि नीलोफर का पति अभी भी कुवैत में है या इंडिया लौटा है। सर और सर नीलोफर की स्टूडेंट जयंती, जिसने आखिरी बार नीलोफर को देखा था, उसके बारे में पता लगाता हूँ। जिस ब्रुटैलिटी के साथ नीलोफर को मारा गया, सफोकेशन से मरी, वो उससे तो यही लगता है कि किसी की गहरी रंजिश हुई होगी नीलोफर के साथ। सर नीलोफर के पिता अयूब ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट तो फाइल की थी,
लेकिन उसकी मौत के बाद से एकदम से गायब हो गया। अय्यूब ने समाज के डर की वजह से अपनी बेटी को नहीं अपनाया होगा, या फिर वजह कुछ और रही होगी। अय्यूब भाई, अब नीलोफर काफी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में आपने कुछ सोचा या नहीं? अगर उसकी अम्मी जिंदा होती तो अच्छा सा लड़का ढूंढ देती नीलोफर के लिए। अरे आप एक बार बोलकर तो देखिए, नीलोफर के लिए एक से एक लड़कों की लाइन लगा देंगे। दो जगह बात चलाई है, अगर जवाब नहीं आता है तो बताऊंगा। जी जरूर। साहब, 2 साल तक मधु और प्रेम मेरे यहाँ किराएदार थे। मधु की मौत के बाद पता चला कि उसका नाम नीलोफर था। 2 साल से जानते थे आप नीलोफर और प्रेम को? दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा था? साहब, दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर हाँ, एक बार मैंने मधु को बहुत आग बबूला होते देखा था। समझ में नहीं आता, एक बार में मिल गया ना जवाब, निकल। मधु बेटा, क्या हुआ, क्या किया गौतम ने? कुछ नहीं काका, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है। तो ये बात आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताई? बताई थी साहब, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोले कि वो लड़की, मतलब जयंती, जो नीलोफर के यहाँ पढ़ने आती थी, उसने जिस आदमी को देखा था उसका गौतम से हुलिया मेल नहीं खाता था। Can't believe it. अच्छा, इस हादसे के बाद आपकी नीलोफर के पति प्रेम से बात हुई थी? एक बार सर, वो अपना सामान लेने वापस आया था नीलोफर की मौत के करीब 1 साल बाद। जब नीलोफर और प्रेम आपके मकान में रहने आए थे तो आपने उनकी IDs, डॉक्यूमेंट्स तो लिए ही होंगे? 10 साल पुरानी बात है, उस वक्त लिखा पढ़ी कहाँ होती थी। अनुज, ये गौतम हमारा पहला सस्पेक्ट, पता लगाओ इसका। और बिना और शकीना के केस में क्या अपडेट है? सर, 2 टीम लगी हुई है और मैं खुद भी इन 2 केसेस के फॉलोअप ले रहा हूँ। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलोफर के केस में अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। मम्मी, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? नीलोफर, तू यहाँ क्यों आई है? अम्मी, मना किया था ना तुझे आना। आप क्या कर रहे हो? इधर बैठो, इधर बैठो, आ जाओ। पानी पिएगी? मैं पी लूंगी, आप बैठो। इतनी तबीयत खराब है आपकी, आपने मुझे बताया भी नहीं। इसमें बताने का क्या है बेटा, ट्यूमर है दिमाग में। ट्यूमर? हाँ हेलो गौतम, मेरी अभी अम्मी के डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला कि अम्मी के इलाज के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे। 6 लाख? नीलोफर इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरे पास करीबन 1 लाख रुपए रहेंगे, लेकिन बाकी के पैसे, गौतम तुम कुछ करो ना। अरे नीलोफर, अब मैं क्या करूंगा इसमें? लेकिन हाँ सुन, तू अगर चाहे ना तो तेरे लिए ये 6 लाख रुपयों का जुगाड़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर तू चाहे तो। समझ रही ना क्या क्या कह रहा हूं मैं? देख, बड़ा सेठ है, अरे तेरी फोटो देख के हिल गया था, अब तेरा जलवा देखेगा तो पिघल जाएंगे। आ जाओ। सेठ, सर बीना के पति हरी ने बताया कि उसने बीना की मौत के तुरंत बाद शादी सिर्फ अपने 2 बच्चों के लिए की थी, जिन्हें वो अकेले संभाल नहीं पा रहा था। हरी ने उस वक्त किसी पे शक जताया था? सर, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 मजदूर थे, दीपक और रुपेश, दोनों शराबी थे और बीना की उनसे कुछ कहा सुनी भी हुई थी। हरी का स्टेटमेंट वेरीफाई करो। सर मेरी फारूक से बात हुई, अब वो शादीशुदा है, लेकिन सर उसकी शादी शबीना से नहीं बल्कि किसी और ही लड़की से हुई है, और सर उसने शबीना को नहीं भगाया था। फारूक पे नजर रखो और फारूक के दोस्तों से भी बात करो। हाँ सर, नीलोफर के केस में एक अपडेट मिली है। सर, इसका नाम विमल गुप्ता है और ये एक बिजनेसमैन था, और नीलोफर इसके केस की चश्मदीद गवाह थी। और नीलोफर का मर्डर कब हुआ? सर, इसके हियरिंग से 2 दिन पहले, और नीलोफर इसके हियरिंग में गवाही भी देने वाली थी। विमल केस में सस्पेक्ट कौन था? सर, विमल के केस में प्राइम सस्पेक्ट ये गुंजेश नाम का डिलीवरी बॉय था। सर, ठोस सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। गुंजेश, इस पजल की आखिरी कड़ी है, गुंजेश ही हो सकता है। सालों पुराने केसेस को रीओपन करके किसी अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता, सबूत मिट चुके होते हैं, गवाह जुटाना मुश्किल होता है। मधु
उर्फ नीलोफर के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस केस का रुख मोड़ने वाला सबसे अहम गवाह अभी पुलिस की पहुंच से काफी दूर था। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। ओके डार्लिंग। ठीक है, आपकी सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी। चलिए अब थोड़ा पैसा ढीला कीजिए, वरना ये सारी फुटेज ना मालकिन को दिखा दूंगा। सर, सर डिलीवरी बॉय गुंजेश के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन नीलोफर को आखिरी बार जिस लड़की ने देखा था, जयंती। हाँ सर, सर उसके बारे में पता चल गया है, वो दिल्ली में मेड का काम करती है। और नीलोफर के पिता अयूब के बारे में पता चल गया है। अयूब का है? जेल में, एक मर्डर के केस में 4 साल से जेल में है। मर्डर केस में? हाँ सर। और सर एक चौंकाने वाली बात पता चली है, अयूब के बीवी बच्चे मेवात में रहते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला है कि अयूब की कोई नीलोफर नाम की बेटी ही नहीं है। What? नहीं यार, उस कंजे से सिर्फ 20,000 कमा पाई मैं। अब इन छोटी मछलियों से काम नहीं चलने वाला, कोई बड़ी मछली फंसानी होगी। तू एक काम कर, मुझे साउथ दिल्ली के ऐसे 5 रईसों के नाम दे जो हवस के पुजारी भी होने चाहिए और अमीर भी। ठीक है, एक मिनट। जी जयंती। जी कहिए। मुझे तुम्हारी टीचर मधु के मर्डर के सिलसिले में तुमसे कुछ बात। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। सुनो, सब कौन नीलोफर? मेरी उम्र हो गई है इसलिए कुछ याद नहीं रहता। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? कम से कम जेल में तो चैन से रहने दीजिए। चुप। जेल में लोग चैन से रहने नहीं, सजा काटने आते हैं। देख, मदद कर हमारी ये जानने में कि नीलोफर की मौत कैसे हुई थी, नहीं तो तुझे तेरी बेटी नीलोफर का कातिल साबित करना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। चल बोल, कैसे हुई थी तेरी बेटी नीलोफर? नीलोफर मेरी बेटी नहीं थी साहब, नीलोफर कॉल गर्ल थी। देखते ही भाग गई थी साहब मुझे। नीलोफर को अपनी अम्मी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने पैसे देकर उसे खरीद लिया उसके दलाल गौतम से। 7 लाख रुपए देकर 7 महीने के लिए खरीदा था साहब उसे, पर साहब वो सिर्फ 2 महीने में भाग गई। फिर तूने नीलोफर का बाप बनकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई। तो और क्या करता साहब, सारे अड़ोसी पड़ोसी मेरे पीछे पड़ गए साहब। इसलिए मार डाला उसको? नहीं साहब, मुझे तो खुद नीलोफर के मौत की खबर अखबार से मिली साहब। मेरे तो पैसे भी गए और लड़की भी गई साहब। वो दलाल गौतम जिसे तूने नीलोफर को खरीदा था, कहाँ मिलेगा वो? सब होटल रोजवुड, होटल रोजवुड उसका पुराना अड्डा हुआ करता था, शायद अब भी वहां आता जाता हो। सर नीलोफर के केस में कड़ियां तो जुड़ रही हैं, क्योंकि उसके मकान मालिक ने बताया था कि गौतम को उसने थप्पड़ मारा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गौतम नीलोफर को वापस प्रोस्टिट्यूशन में ले जाना चाहता और नीलोफर तैयार नहीं थी इसके लिए? अनुज, होटल रोजवुड पे नजर रखो, ये गौतम किसी भी हालत में फंसना नहीं चाहिए। ओके सर। और हाँ सर, जयंती भी कॉपरेट नहीं कर रही है। जयंती के लिए ऐसा सर, ATT ने फाइल भेज दी, नीलोफर के केस से कनेक्टेड है। क्या हुआ सर? 11 साल पहले उस वक्त नीलोफर ने ATT को बताया था कि वो एक कॉल कर रहे हैं, उसके बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी बैकग्राउंड के बारे में उसे कुछ नहीं पता। इसका मतलब नीलोफर के लिंक उग्रवादियों से भी थे? ATT को शक तो था नीलोफर पर, हालांकि कुछ साबित नहीं हुआ। पहले एक टीचर, उसके बाद कॉल कर, आखिर थी क्या है लड़की? Oh, my God.
40। क्या कहा तुमने? हाँ साहब, मैं नीलोफर से पहले उसकी माँ रुखसाना के लिए कस्टमर लाता था। रुखसाना भी इसी धंधे में थी साहब, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी नीलोफर ये काम करे, और यही कारण था कि उसने अपनी बेटी को खुद से दूर रख के पढ़ाया। इधर आ। मैंने कहा था ना तुझसे, ये जगह तेरे लिए नहीं है, फिर यहाँ क्यों आई? अरे रुखसाना क्यों भड़क रही है? तेरे को पता तेरी लड़की पटाखा है, पटाखा। अरे अगर तू बोले तो मैं तोड़ दूंगी तेरा, अगर दोबारा ऐसी बात कही तो। अम्मी, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। बेटा नीलोफर, तुझे मुझसे नहीं, इस पूरी जिंदगी से आंख मिलानी है। तुझे मेरे जैसा नहीं, एक इज्जत की जिंदगी जीनी है तुझे। नीलोफर एक छोटी सी दवाई की दुकान में काम करती थी साहब, लेकिन अजीब बात है, किस्मत उसे वहीं ले आई जहां वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी जिंदगी में प्रेम आया वो फिर से उड़ गई साहब। लेकिन तूने उसको ढूंढ निकाला, तू उसको वापस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लाना चाहता था, उसने मना किया, इसलिए थप्पड़ मारा था ना उसने तुझे। नीलोफर, नीलोफर मर चुकी है, तू बोल। हाँ ठीक है मधु, देख ध्यान से सुन ले, प्रेम ने कुवैत जाने से पहले मुझसे 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, बोल रहा था 2 महीने में लौटा देगा, अब 2 महीने बीत चुके, मेरे पैसे नहीं मिले हैं मुझे अभी तक। गौतम, जैसे ही प्रेम पैसे भेजेगा मैं तुझे दे दूंगी, थोड़े टाइम रुक जाना। मेरे सर पे भी लोग वसूली करने के लिए बैठे हुए हैं, देख अगर तूने मेरे पैसे जल्दी नहीं चुकाए ना तो मुझे उन लोगों को तेरा पता देना पड़ेगा। गौतम प्लीज ऐसा मत करना, देख कुछ और रास्ता होगा ना। कोई और रास्ता? एक रास्ता है। शर्म नहीं आती तुझे? उसने धंधा करने से मना कर दिया इसलिए तूने उसको मार डाला। नहीं साहब, उसकी मौत से तो सच कहूं मेरा नुकसान ही हुआ है साहब। एक लड़की की जान चली गई और तुझे नुकसान की पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, ये नीलोफर कोई साधारण लड़की नहीं थी, लॉटरी थी, लॉटरी। कभी अयूब को लगी, कभी मुझे, तो कभी प्रेम को, और सबने उसका फायदा उठाया सर। प्रेम ने भी? हाँ साहब। कहाँ मिलेगा प्रेम? वो तो नहीं पता मुझे साहब, लेकिन अगर आप लोगों को मिल जाए तो मेरे पैसे निकलवा लेना उससे, और चाहिए तो थोड़े पैसे आप भी रख लेना। अरे सर, सर, अरे मारिया, अरे खास इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको सर। सर एक औरत है आयशा कुरैशी नाम की। आयशा कुरैशी? हाँ सर, वो इस नीलोफर की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मुझे पक्का यकीन है कि उसे जरूर पता होगा इन दिनों ये प्रेम कहाँ पे है। सर गौतम सही कह रहा है, आयशा अलवर में ही रहती है। नीलोफर का केस काफी उलझाने वाला है, और मुझे कुछ तो है जो अभी भी इस केस में छूट रहा है। एनीवे, मैं जयंती से बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम अलवर जाओ, आयशा से मिलो। सर जी, सर नीलोफर और मैं पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे, कुछ ही दिनों में दोस्ती भी हमारी अच्छी हो गई थी, प्रेम के साथ खुश थी सर वो, लेकिन ये गौतम उसे बहुत तंग करता था सर, बार बार उसे वापस से धंधे में बैठने के लिए दबाव डालता था। हो ना हो सर, ये गौतम ने ही उसे मारा है। अगर गौतम ने नीलोफर को मारा है तो वो बचेगा नहीं, लेकिन हमारा प्रेम से बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बता सकती हो प्रेम के बारे में? सर मुझे प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता। जयंती, मैं जानता हूँ उस हादसे ने तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दी थी। देखो अगर तुम हमें नीलोफर, मेरा मतलब है कि मधु के कातिल तक पहुँचने में मदद करोगी तो ना सिर्फ मधु को इंसाफ मिलेगा बल्कि तुम्हें भी सुकून पहुँचेगा। सर आज भी उस आदमी के पैरों की आज मुझे डरा देती है। अब वो डरेगा? बस जितना तुम उस आदमी के बारे में जानती हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें बताने की कोशिश करो ताकि हम जल्दी से उस तक पहुँच सकें।
सर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन उसने अपने हाथ में एक सिल्वर कलर का ब्रेसलेट पहना था। ब्रेसलेट? हाँ सर। अच्छा जयंती, मधु ने कभी जिक्र किया था तुमसे कि उसका पति प्रेम कहाँ का रहने वाला है, कुछ इस बारे में बताया था? हाँ, एक बार उन्होंने कहा था कि वो चूरू गांव के किसी ब्रह्मपुरी का रहने वाला है। प्रेम शुक्ला? सब प्रेम को तो 2015 में किसी ने मार दिया था, कैसे हो सकता है? कितना नजदीक थे हम केस सॉल्व करने के। सर प्रेम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम के आंखें, मुंह, नाक भी और दोनों की बॉडी में सेम ड्रग के ट्रेसेस भी मिले थे। लेकिन निलूफर को तड़पा तड़पा के मारा गया, जबकि प्रेम को मारने में जल्दबाजी दिखाई गई है। प्रेम की मौत सफोकेशन से नहीं हुई, उनकी फटल ब्लो से हुई। प्रेम के चेहरे और सर पर 5 बार वार किए गए। होना हो निलूफर और प्रेम का कातिल एक ही है। अनुज, निलूफर और प्रेम के मर्डर के पहले की उनकी सारी एक्टिविटीज पता करो। यस सर। सर सुनील कुमार नाम के एक सुनार का पता चला है, जिसे निलूफर ने मरने से 3 दिन पहले 3 लाख के गहने बेचे थे। क्या नाम बताया तुमने सुनार? सर सुनील कुमार, किसी जमाने में मैं भी पुलिस में था, तब से जानता हूँ निलूफर को। उस वक्त वो एक छोटी सी दुकान पर बैठा करती थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और फिर मेरी रिटायरमेंट के बाद वो मुझसे मिली। तब पता लगा कि उसने किसी प्रेम नाम के लड़के से शादी कर ली। उसकी मौत से कुछ दिन पहले ही उसने मुझे घर पर बुलाया था। बेटा, प्रेम को कुवैत भेजने के लिए तूने पहले ही कितने जेवर भेज दिए, अब ये भी भेज देगी तो तेरे पास क्या बचेगा? चाचा, ये जेवर बेचकर मुझे भी कुवैत जाना है प्रेम के पास। मुझे जेवर की नहीं, अपने पति की जरूरत है। आप देखिए ना, इनका जितना भी पैसा बनता है आप मुझे दे दीजिए। मुझे क्या पता था कि वो पैसे उसकी मौत से जा जुड़ेंगे। जरूर सर, इन पैसों की वजह से ही किसी ने मार दिया निलूफर को। ठीक है सुनील, फिलहाल तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। अनुज, अपने खबरियों से कहो कि वो पता लगाएं कि निलूफर के मर्डर के आसपास किसी के पास अचानक से बहुत सारे पैसे आए थे क्या? यस सर। मैं तेरी मदद करूंगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी का सगा नहीं होता। जो करना था मैंने खुद कर लिया। जो तो मर गया, तूने किया है सब? कैसे मारा इसे? का इंजेक्शन देकर, उससे हार्ट अटैक आ गया इसको। फार्मेसी की स्टूडेंट हूं मैं, और इसको मैंने ही मारा। अरेस्ट कर लीजिए मुझे। मेरी भी बेटी, मैं समझ सकता हूं कि तुझ पर क्या बीती होगी, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तूने मनोहर लाल को नहीं मारा, ये हार्ट अटैक से मारा है। तू ये सब कुछ भूल जा और जा अपनी नई जिंदगी शुरू कर। जा बेटी, जा। सर जिस एरिया में निलूफर का मर्डर हुआ, उसी एरिया के आसपास 3 और औरतों का मर्डर हुआ था। और हाँ सर, उन 3 औरतों का मर्डर भी उसी ड्रग से हुआ था जिससे निलूफर और प्रेम कुमार का हुआ था। उनकी आंखें और मुंह भी ग्लू से चिपकाए गए थे? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, उन सभी ने निलूफर की तरह मरने से कुछ दिन पहले कुछ जेवर या प्रॉपर्टी बेची थी। लाखों रुपए जमा थे उनके पास, जो उनको मारकर लूट लिए गए थे। ये किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं है? क्या? सर निलूफर के मोहल्ले में एक शोएब नाम का आदमी रहता था। सर वैसे तो कड़का था, लेकिन अचानक से उसके पास काफी पैसा आ गया था, और निलूफर की मौत के कुछ दिन बाद ही शोएब अपनी बीवी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया है। ये देखिए सर, ये उसका एड्रेस है। हाँ सर, शोएब मेरे पति हैं। कहाँ मिलेगा शोएब इस वक्त? सर वो अक्सर शहर के बाहर रहते हैं, अभी इस वक्त वो कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है आयशा जी आपको याद ना रहा हो कि वो कहाँ है, पर कोई बात नहीं, हम याद दिलवा देंगे। ये पूजा है,
पूजा जरा ऐशा जी को याद करवाओ। सर सर मैं बताती हूँ सर। शोएब का है? आयशा का पति शोएब का है? शोएब छोटा मोटा चोर था। जब वो जेल में था तो मैं और आयशा करीब आए और हम दोनों को प्यार हो गया। आइए आइए आयशा जी आइए। आप ही का इंतजार था, बता रही है। आगे बोल। आयशा शोएब को छोड़कर मेरे साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए हमने एक प्लान बनाया था। शोएब बहुत पुराने ख्यालातों वाला था और जब वो जेल से छूट कर आया तो आयशा ने उससे बताया कि पैसे कमाने के चक्कर में उसने प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करना शुरू कर दिया है। सर मुझे लगा था ये सुन के शोएब बहुत खफा होंगे और मुझे तलाक दे देंगे और फिर तुम प्रेम के साथ शादी कर लोगे। जाहिर सी बात है ऐसा हुआ नहीं होगा। जी हाँ सर, लेकिन हमने हार नहीं मानी सर। मैंने नीलोफर को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लिए और फिर कुवैत चला गया। तू भी छुटकारा पाना चाहता था नीलोफर से? हाँ, लेकिन वो भी शोएब की तरह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं जानती थी शोएब पैसा कमाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है। ये बात आयशा ने कुवैत फोन करके मुझे बताई। मुझे एक आइडिया आया। मैंने शोएब को नीलोफर का खून करने के लिए पैसे का लालच दिया था और वो मान गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दरअसल वो आयशा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, आप चलिए ना मेरे साथ। चलिए। आइए। हाँ। नीलोफर के बाद शोएब की बारी थी। प्रेम जब कुवैत से लौटे, इन सब जगहों पर ग्लू क्यों डलवाया? इतनी बेरहमी से क्यों मरवाया उसको? क्योंकि उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी थी। उसने मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था। और तूने जो इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकी वो, और शोएब को इस तरह से क्यों मरवाया तूने? ताकि पुलिस को लगे कि दोनों को एक इंसान ने मारा है। हम दोनों को लगा कि शोएब को कातिल समझकर पुलिस उसके पीछे जाएगी। नीलोफर की तरह और भी लड़कियां थी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में, उनको क्यों मरवाया? पैसे के लिए। पहले उन्हें मेरे प्यार के जाल में फंसाता और फिर शादी का वादा करता और पैसे मिलते ही मार डालता। क्या पाया है सब करके? एक दूसरे का साथ पाया सर। हम दोनों हर हाल में हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। वो तो होने सर, क्योंकि जेल में आदमी और औरतों के लिए बैरक अलग अलग होते हैं। मधु, उस नीलोफर की कहानी ने मेरी अब तक की क्राइम की समझ पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है, कई बार इंसान हालातों के आगे मजबूर भी होता है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी को भी जज करने से पहले एक बार उसके हालातों के बारे में जरूर सोचें। रीओपन किए गए तीनों केसेस को सॉल्व करने में पुलिस कामयाब रही। प्रेम और आयशा ने मधु और शोएब की लाशों पर अपने प्यार का आशियाना बनाना चाहा, लेकिन जुर्म की दीवार से टिकी इमारत हमेशा ठहर जाती है। इन केसेस की कामयाबी से एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून के शिकंजे से ज्यादा देर बच के नहीं रह सकता। जैसे हर केस की एक नियति होती है, वैसे हर अपराधी की भी एक नियति होती है। क्राइम नेवर पेज। हर मुजरिम की नियति में उसके अपराध का दंड लिखा होता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें।
देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।